अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम में किन्नत फुरके के नाज़रीन, आज सवाल जवाब होंगे अज़ान व इकामत के बारे में। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल, अज़ान की इब्तदा कब हुई और इसके सबसे पहले मुअज़्ज़िन का नाम बताइए। जवाब, अज़ान की इब्तदा हिजरत के पहले साल हुई और इस्लाम के सबसे पहले मुअज़्ज़िन हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं। सवाल, दीन इस्लाम में अज़ान को क्या अहमियत हासिल है। जवाब, अज़ान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पांचों फ़र्ज नमाजें बशमूल जुमा मुबारक जब जमात मुस्तहिबा के साथ मस्जिद में वक़्त पर अदा की जाएँ तो इनके लिए अज़ान सुन्नत मौकीदा है और इसका हुक्म मिसले वाजिब है कि अगर अज़ान ना कही तो वहाँ के सब लोग गुनहगार होंगे। फतावा खानिया में है, अज़ान शाइरी इस्लाम में से है, हत्ता कि अगर किसी शहर बस्ती या महल्ला के लोग अज़ान कहना छोड़ दें तो हाकिम इन्हें इस पर मजबूर करेगा और अगर वो फिर भी ना माने तो उनसे लड़ाई करेगा। सवाल, क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से अज़ान देना साबित है। जवाब, जी हाँ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से सफ़र में अज़ान देना साबित है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने कलमात शहादत यूं अरशाद फरमाए, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। सवाल, आंखें दुखने से हिफाजत का कोई अमल बताएं। जवाब, हज़रत सैयदना खज़र रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो शख्स मुअज़्ज़िन से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सुनकर मरहबन बि हबीबी व कुर्रतु ऐनी मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम कहे, फिर दोनों अंगूठे चूम कर आँखों पर रखे, उसकी आँखें कभी ना दुखें। सवाल, पांचों नमाजों की अज़ान और इकामत का जवाब देने पर मर्दों को कितनी नेकियां मिलती हैं। जवाब, 3,24,00,000 नेकियां मिलती हैं। सवाल, अज़ान देने वाला कैसा हो। जवाब, मुस्तहब ये है कि मुअज़्ज़िन मर्द आकिल सालेह परहेजगार आलिम बिसुन्ना री वजाहत लोगों के अहवाल का निगरान और जो जमात से रह जाने वाले हों उनको जजर करने वाला हो, अज़ान पर मदावमत यानी हमेशगी करता हो और सवाब के लिए अज़ान कहता हो। सवाल, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने मौज़िन थे। जवाब, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के मौज़िन 5 थे। नंबर 1, हज़रत सैयदना बिलाल बिन रबाह रदियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 2, हज़रत सैयदना अमर बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 3, हज़रत सैयदना साद बिन आयद रदियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 4, हज़रत सैयदना अबू महज़ूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। और नंबर 5, हज़रत सैयदना ज़ियादा बिन हारिस सुदाई रदियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल, तिलावत क़ुरान के दौरान अज़ान शुरू हो जाए तो क्या करें। जवाब, जब अज़ान हो तो उतनी देर के लिए सलामो कलाम और जवाब सलाम और तमाम काम मौकूफ़ कर दीजिए, यहाँ तक कि तिलावत भी। अज़ान को गौर से सुनिए और जवाब दीजिए, इकामत में भी इसी तरह कीजिए। सवाल, क्या अज़ान हो जाने के बाद भी अज़ान का जवाब दिया जा सकता है। जवाब, अगर बवक्ते अज़ान जवाब ना दिया और ज़्यादा देर ना गुजरी हो तो जवाब दे सकते हैं। सवाल, बवक्ते अज़ान बातें करने वाले के लिए क्या वाईद है। जवाब, जो शख्स अज़ान के वक्त बातों में लगा रहे इस पर माद अल्लाह खात्मा बुरा होने का खौफ है। सवाल, क्या अज़ान सिर्फ नमाजों के लिए दी जा सकती है।
जवाब, जी नहीं, बल्कि दर्ज झील मौके पर भी अजान देना मुस्तहब है। नंबर एक, बच्चे की पैदाइश में। नंबर दो, गमगीन के लिए। नंबर तीन, मिर्गी वाले के लिए। नंबर चार, गजबनाक और बदमिजाज आदमी के लिए। नंबर पाँच, बदमिजाज जानवर के कान में। नंबर छः, लड़ाई की शिद्दत के वक्त। नंबर सात, आग लगने के वक्त। नंबर आठ, मैयत दफन करने के बाद। नंबर नौ, जिन की सरकशी के वक्त या किसी पर जिन सवार हो। नंबर दस, उस वक्त जब जंगल में रास्ता भूल जाए और कोई बताने वाला ना हो। और नंबर ग्यारह, वबा के ज़माने में भी अजान देना मुस्तहब है। सवाल, इकामत के वक्त कोई शख्स आया तो उसका खड़े होकर इंतज़ार करना कैसा है? जवाब, इकामत के वक्त कोई शख्स आया तो उसे खड़े होकर इंतज़ार करना मकरूह है, बल्कि बैठ जाए। जब इकामत कहने वाला हय्या अलल फला पर पहुँचे, उस वक्त खड़ा हो। यूं ही लोग मस्जिद में मौजूद हैं, वो भी बैठे रहें। उस वक्त उठें जब इकामत कहने वाला हय्या अलल फला पर पहुँचे। यही हुक्म इमाम के लिए भी है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।